इसके अलावा स्पाइसी चिकन फहीता राइस बनेंगे, ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसको हम डालेंगे और गर्म करेंगे ताकि फिश को अच्छा सा हम फ्राई कर सकें। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये हमारा हर टाइम फेवरेट कुकिंग ऑयल, क्योंकि इससे खाने तैयार होते हैं सेहत से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है, गारंटीड डबल रिफाइंड होता है और इसके साथ साथ GUHT ट्रीटेड। चाहे आप फौजी सुप्रीम कुकिंग का इस्तेमाल करें ऑयल का या फिर बनस्पति का। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम बनाएंगे बड़े स्पाइसी से फहीता राइस। इसके लिए ये चिकन मेरे पास 400 ग्राम चिकन है, इसको हम मैरिनेट करें। ये भी कोई इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी हो और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएगी। चिकन के हमने जूलियन कट कर लिए, ठीक है, अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या कुछ डालेंगे, ये है यहाँ पर या इसके अंदर लेमन जूस, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन का पाउडर और थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन भी डालेंगे ये गैस के अंदर, बेहतरीन। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पेपरिका पाउडर, ये चला गया, कुटी हुई काले मिर्च, ये जाएगी तकरीबन इसमें 1 टीस्पून, बाकी हम राइस में शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून, और डालेंगे इसमें नमक। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन राइस के अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद है तो मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 3-4 टीस्पून। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल देते हैं, पेपरिका वैसे मैंने डाली है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम हमारे पास और क्या कुछ है, अच्छा इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे और फिर हम ये करेंगे कि हम थोड़ा सा अपना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गरम करेंगे, थोड़ा सा लहसुन को सौते करेंगे, फिर ये चिकन उसके अंदर डाल देंगे। इसी में ये चिकन बहुत अच्छी सी मैरिनेट हुई हुई है तो गल जाएगी और आपको पानी डालने की इंशाल्लाह इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही चिकन गलेगी तो इसके अलावा भी हमारे पास और चीज़ें हैं, जैसे कि चिकन पाउडर, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा ये शिमला मिर्च है, इसके अलावा ये थोड़े से टमाटर हैं, प्याज है, इन तमाम चीज़ों को आप चाहें तो साथ ही इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप दम के ऊपर डाल दें। सही, आप देखिएगा मैं किस तरह से करती हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि इनके कलर्स जो है वो ख़राब ना हो, तो हम इसलिए इसको दम पर डालेंगे। ठीक है, ये हमारी हो चुकी है। अब एक काम, 3 से 3.5 कप हमारे पास ये राइस मौजूद है, ठीक है, 1/2 kg से थोड़े से ज़्यादा है, 1/2 kg भी आप ले सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया, इसको हम थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर ऐड हो जाएगा। चिकन को आप अच्छा मैरिनेट करके आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। ये देखिए जी, फिश होना शुरू हो गई है, इसको मैं बिल्कुल अभी नहीं छेड़ी, अब इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसकी आँच को तेज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी सी फिश जो है हमारी फ्राई हो जाए। फिर हम इसको निकाल के रख देंगे और बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे एक दफ़ा से फिर फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट और भी बहुत शानदार आएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा गार्लिक, चलें जी ये ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर ये चिकन शामिल करूँगी जो कि मेरे पास 400 ग्राम थी, ठीक है जी, ये देख चिकन, इसको भी मैरिनेट करनी थी आप, इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए कर लीजिएगा। अगर ओवरनाइट भी पड़ा रहेगा तो कोई मसला नहीं, बल्कि रिजल्ट और बेहतरीन आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ इसमें कोई हमने ऐसे टेंडर करने के लिए नहीं डाली कि कच्ची पाउडर कोई भी चीज़ ऐसी ना, तो उससे ये बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन जूसी आपकी चिकन बनेगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। और क्या अब हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक आप ले लीजिए, मैं यहाँ पर अपनी ये फिश हैं, क्या दिखा रहे हैं हम राइस बना रहे थे यहाँ पे, ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी सी हो गई है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालें, हम इसमें डालेंगे सबसे पहले बॉयल राइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी पैन चेंज किया है क्योंकि आपको बड़ा चाहिए था, सॉरी जी, हाँ इसको हम मिक्स करेंगे। अभी लगा इसमें पानी डालेंगे आप, बताइएगा कितना खींचे, बस 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 बस, पहले से बोल दिया करें बस बस, आपको बताओ पहले से ही मैं रोकती हूँ। हाँ ये देखिए जी, बेहतरीन से हमारे राइस जो है ये हो रहे हैं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है सब ना। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ये चिकन पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये नमक चला गया। अब जाएगी इसके अंदर ये शिमला मिर्च और जाएंगे इसके अंदर ये टमाटर, ठीक है ना, इससे क्या होगा बड़ी अच्छी सी एकदम से इसकी लुक आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब से वो सिर्फ मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग करने के बाद नाम शो के इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों वेजिटेबल्स ऐसी हैं
जो थोड़ी सी ही हम सॉफ्ट कर से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त से राइस जो है तैयार होंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। हो गया, इधर हम फिश को टर्न करेंगे या नहीं करेंगे? अभी करती हूँ मैं, करती हूँ इसको। ये गई प्याज, हरी प्याज, हरी प्याज, कुटी हुई काले मिर्च और हरा धनिया। अब आप देखें कितने अच्छे से कलरफुल राइस तैयार हो गए। अच्छे खुशबू भी आ रही है, मसाला पहीता मसाला। हाँ मसाला राइस, हाँ दाल से टेस्ट में मसाला खूब है, बड़े ही ज़बरदस्त सा। ये हो गया है जस्ट मिक्सिंग, और चलें बस दो मिनट में इसको और कुक करूँगी और निकालेंगे इसको हम सब।